पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी के संभल में पुलिस और गोवंश पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक पशु तस्कर और एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है। वहीं मौका पाकर गिरफ्तार पशु तस्कर के दो अन्य साथी भागने में कामयाब रहे, जिनकी गिरफ्तारी को पुलिस लगी हुई है। फिलहाल पुलिस ने घायल पुलिसकर्मी और पशु तस्कर को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। दिन निकलने के साथ ही पुलिस और गोवंश पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ का ये पूरा मामला संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र का है, जहां तड़के में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पशु तस्कर गोवंशी पशुओं को मांस ले जा रहे हैं, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने एएसपी पंकज कुमार पांडे के नेतृत्व में ग्राम शरीफपुर के पास उनकी घेराबंदी कर दी। इस बीच बाइक सवार तीन पशु तस्करों के सीएम को पुलिस से घिरा देखा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक पशु तस्कर कदीर को गोली लग गई, जिससे वे घायल होकर वहीं गिर पड़ा। वहीं पशु तस्कर द्वारा की गई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी, जिसका नाम अतुल कुमार बताया जा रहा है, वे भी गोली लगने से घायल हो गया। इस दौरान दो पशु तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। एएसपी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं घायल पुलिसकर्मी और पशु तस्कर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कई मामलों में वंचित चल रहा है। उसके पास से मोटरसाइकिल तथा एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस, 315 बोर तथा गोवंश पशुओं का मांस 50 किलो बरामद किया गया है। देखिए, आज थाना नखासा पर वांछित अभियुक्त के यहाँ पर गुजरने की सूचना पर पुलिस यहाँ पर पार्टी लगी हुई थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर तीन बदमाश निकले, रोकने पर कहे जाने पर उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई है। जो बदमाश, इसमें एक बदमाश के गोली लगी है, ये गौ तस्कर था और आज ये लोग जो है यहाँ से मीट ले जा रहे थे। ये CST एक्ट में ही वांछित था। कदीर नाम का ये अभियुक्त जो कि रामपुर का रहने वाला है, इस पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इस पुलिस मुठभेड़ में एक अतुल नामक सिपाही थाना नखासा का भी घायल हुआ है। दो बदमाश जो थे मोटरसाइकिल पर, वो फरार हैं। इसके अलावा इनसे एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा, जिसके द्वारा इनसे फायरिंग की गई है, और करीब मीट भी इनके पास से बरामद हुआ है, जो यहाँ पर है, जिसका परीक्षण कराया जाएगा। और ये जो मोटरसाइकिल है, इसको उस पर ऐप पे डाल के देखा गया, तो ये मोटरसाइकिल भी चोरी की अभी लिंक हो रही है।